गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमेश पे। जैसा कि आप लोगों को अभी अपडेट मिला होगा या नहीं मिला तो इसमें आप जो अपडेट देने वाले हैं, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, बिहार पुलिस का जो न्यू डेट आ गया, पहले जो डेट था 24 सितंबर से, वो डेट को चेंज करके एक नया डेट अब जारी कर दिया गया, ठीक है। नया डेट जारी कब से किया गया आपको मैं पूरा सारा डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ, कब से कब आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है, कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, कौन कौन से डेट में एग्जाम होगा, कहाँ कहाँ एग्जाम होगा, कौन से जिला में एग्जाम नहीं होगा, इस तरह चीज़ आपको इस अपडेट में मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और तैयारी आप लोग जम के स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम अब बना ही है। ऐसे अब खेला कीजिएगा तो कुछ होगा नहीं, तो अब खेला करना है लेकिन जम के खेला करना, ठीक है। आइए तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा है, आपको बता दूं बिहार के लगभग सारे जिले में एग्जाम होगा, सिर्फ एक जिला में एग्जाम नहीं होगा, वो जिला आपका गया, ठीक है। गया जिले में आपको इस बार एग्जाम नहीं होने वाला है, गया जिला छोड़कर के लगभग सारे जिला में आपको सेंटर पढ़ने वाले हैं और आपको सारे एग्जाम, आपको सारे जो परीक्षाएं हैं आपको 3 दिन में कंडक्ट किए जाएंगे, 3 दिन में सारे एग्जाम खत्म कर लिए जाएंगे, ठीक है। 3 दिन का एग्जाम होगा, आपको 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है, पर डे आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा और 3 दिन में इसका खेल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो भी आप लोग जो मैराथन वाला जो तैयारी करें उसको कंटिन्यू रखिए और जितना हो सके उसको बढ़ाइए, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से डेट के एग्जाम होगा, ठीक है, और कैसे कैसे उसका प्रोसेस है, कब आपको रिपोर्टिंग टाइम कब है, कब आपको पहुंचना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हम इसमें बता देते हैं। सबसे पहला डेट आपको ले लीजिए, देखिए आपको बता दें ये पाली है, कौन से पाली में एग्जाम होगा, दिनांक है, परीक्षा की अवधि है, परीक्षा की अवधि आपको बता दें कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा और रिपोर्टिंग डे कितने बजे पहुंचना है। सब अगर प्रथम पाली की बात करें 1 तारीख को, सब पहला एग्जाम कब है आपका, 1 अक्टूबर का एग्जाम, पहला एग्जाम आपको 1 अक्टूबर का एग्जाम है, जो कि दिन पड़ता है आपका रविवार, कौन सा दिन, रविवार दिन पड़ता है, रविवार को आपको 1 अक्टूबर जो प्रथम पाली में आपको 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्जाम चलेगा 2 घंटा, ठीक है। लेकिन इसको रिपोर्टिंग टाइम आपको लगभग से 2 घंटा पहले 8 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे आपको सेंटर पर पहुंच जाना होगा, ठीक है, 8 बजे आपको सेंटर पहुंच जाना होगा। इससे रिलेटेड जो भी अपडेटें आएंगे आपको मैं अपडेट करता रहूंगा, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। क्या क्या से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको, बेसिक तो जब आधार कार्ड, ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा ये भी आपको मैं अपडेट करूंगा और कैसे डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा, मैं देख लेता हूं कब तक उसका डाउनलोड होता है, ठीक है। तो बता दें वो प्रथम पाली में 1 तारीख को आपको 1 अक्टूबर को आपको 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पहला शिफ्ट का एग्जाम होगा, जो 8 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है, 8 बजे आपको हर हाल में पहुंच जाना होगा, ठीक है। हर हाल में पहुंचने का मतलब आपको रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, 9 बजे पहुंच जाते तो बेहतर है, ठीक है। एंट्री आपको 9 बजे के आसपास, उसका एंट्री तक चलेगा 9 बजे के आसपास तक, वही उसकी द्वितीय पाली सेम है, आपको द्वितीय पाली उसी डेट में एग्जाम है, उसका द्वितीय पाली आपका द्वितीय पाली कब होगा, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटा होगा, उसका रिपोर्टिंग टाइम आपको 1 बजे है, मतलब 2 घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम इसमें दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि पहुंचे, लेकिन आप लोग पहुंच जाते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शहरों में भीड़ होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सारे राज्यों से विद्यार्थी आने वाले हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जाएंगे, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का चांस है, तो आपको सावधानी सावधानी होगा। आगे देख लीजिए, अगला एग्जाम आपका 7 तारीख, ठीक है, 3 डेट के एग्जाम 3 डेट में कनेक्टेड किया गया है, ठीक है, बेसिकली समझना इतना है कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट है, 1 तारीख एग्जाम है, 7 तारीख एग्जाम है और 15 तारीख एग्जाम है, 3 तारीख 3 डेट में आपको सारे एग्जाम लिया जा रहा है, सेम वही सबका प्रोसेस है, सब में 3 से 5 और 10 से 12, 3 से 5 10 से 12 यही सीटिंग है, 2 घंटा रिपोर्ट पहले रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। आपको 1 तारीख आपको रविवार पड़ रहा है, 7 तारीख शनिवार पड़ रहा है और 15 तारीख का एग्जाम है, लास्ट एग्जाम जो 15 तारीख में आपको रविवार पड़ता है, ठीक है, 15 तारीख कौन सा दिन पड़ता है, 15 तारीख आपको रविवार पड़ता है, सेकेंड शिफ्ट में भी सेम प्रोसेस है, इस तरह से आप लोग रिपोर्टिंग टाइम है आपका और आपको टाइम पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट ये आज का ये था, आप थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये डेट आपका जो 24 तारीख जो सोच रहे थे डेट चेंज हो गया, तो इस डेट को ख्याल रखना है, इस किस हिसाब से तैयारी करना है। जैसे ही आपको एडमिट कार्ड का अपडेट आएगा हम वीडियो बना देंगे और आप लोगों को वीडियो बता भी देंगे कैसे डाउनलोड करना है उसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगा होगा और ऐसी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।